पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच में हल्द्वानी दिवाली महोत्सव का आयोजन शुरू हो गया है। हीरानगर स्थित उत्थान मंच में आयोजित इस मेले का उद्घाटन मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला ने किया। इस मेले में विभिन्न स्टॉलों में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक के लिए तमाम तरह के उत्पाद मौजूद है। वहीं खाने पीने, लकड़ी का सामान सहित अन्य सजावटी सामान मौजूद है। मेले का आयोजन आगामी 10 नवम्बर तक होगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये हर साल लगता रहता है और बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग हर बार आते हैं यहाँ पे और हम लोगों से कहेंगे आप आइए यहाँ पे विजिट करिए और बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे आती रहती हैं। बच्चों के हिसाब से भी, बड़ों के हिसाब से भी उत्तराखंड की संस्कृति भी यहाँ देखने को मिल जाती है। तो आप लोग सब आइए यहाँ पे। नितिन, किस तरह से देख रही है दिवाली मेले को? ये हमारे उत्थान मंच में जो मेला लगा है बहुत ही उत्साह है लोगों को देखने के लिए। एक नया चीज मिली है कि इसी बहाने सारे लोग आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और हमारे उसको कि दिवाली में क्या क्या मिलता है, क्या क्या होता है, उस प्रकार के दिए वगैरह हैं, माला है, झालर है। एक बच्चों में मैं तो इसको बहुत अहोभाग्य समझती हूँ क्योंकि मैं खुद हीरानगर में रहती हूँ और बहुत अच्छा जिनने आयोजन करवा रखा, बहुत अच्छा है मेला। हर चीज़ मिल रहा है यहाँ, चाहे कुछ भी देखो, खाने की भी सामान है और जैसे और लोग भी, जैसे बनियान है, स्वेटर है। अब झाड़ू के दिन उत्सव मनाया जा रहा है और दीपावली मेला यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं आयोजकों को पीके भारद्वाज जी, जो कि एक इवेंट मैनेजर, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके द्वारा ये दीपों का उत्सव का मेला यहाँ पर लगाया जा रहा है। बहुत स्टॉल्स लगे हैं, खाने पीने से लेकर हैंडीक्राफ्ट से लेकर महिला उत्पाद जो हमारे पहाड़ के होते हैं उससे लेकर, और काफ़ी रौनक है। तो आप सभी को नमस्कार और मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं हैं आने वाले त्योहारों की। एक छोटा सा प्रयास है ये पीकेवी इवेंट मैनेजमेंट की साइड से और मीडिया पार्टनर के रूप में हमने अमृत विचार को साथ में हैं हमारे, उनका सहयोग बड़ा अच्छा रहा है हमारे साथ। और पब्लिक, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, उस हिसाब से थोड़ा सा प्रयास है हमारा कि पब्लिक को मनोरंजन भी मिले और एक ही छत के नीचे थोड़ी सी शॉपिंग और वो सारे मनोरंजन हो पाए।